नमस्कार, मैं प्रियंका ऑल न्यूज से। हम सभी जानते हैं कि 2019 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज की तुलना पिछले सरकार से की जाने लगी है। पीएम मोदी की मौजूदा सरकार और मनमोहन सिंह की पूर्व सरकार की तुलना करते हुए एक न्यूज़पेपर क्लिप सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हुआ है। इस न्यूज़पेपर क्लिप में लिखा गया है कि मनमोहन सिंह के 10 साल के शासन में 241 आतंकी मारे गए, जबकि पीएम मोदी के 4.5 साल के कार्यकाल में 1701 आतंकी मारे गए हैं और मनमोहन सिंह के पहले कार्यकाल में सिर्फ 42 आतंकी मारे जाने की खबर है। यह न्यूज़पेपर क्लिप फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप हर जगह बड़ी संख्या में वायरल हुआ है। तो ऐसे दावे की सच्चाई आप किस तरह पता कर सकते हैं? जब भी कोई न्यूज़पेपर क्लिप वायरल होती है तो उसे ध्यान से देखना पड़ता है कि उसमें कितनी सच्चाई है। अगर आप इस न्यूज़पेपर क्लिप को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इस पेपर क्लिप में कहीं कहीं बहुत खाली जगह है तो कहीं शब्द आपस में सटे हुए हैं। कुछ मीडिया संगठन जो डेली समाचार पत्र प्रकाशित करते हैं उनकी ऑनलाइन ई न्यूज़पेपर भी आर्काइव होते हैं और कुछ लेखों का ऑनलाइन संस्करण भी होता है। हमें अपनी पड़ताल में 24 जून 2018 को दैनिक भास्कर का ऑनलाइन प्रकाशित एक लेख मिला जिसमें आंकड़े वायरल क्लिप से बिल्कुल अलग हैं। यहां मनमोहन सरकार के कार्यकाल में 4241 आतंकियों के मारे जाने की खबर है, जबकि वायरल क्लिप में 241 है। नरेंद्र मोदी के 4.5 साल के कार्यकाल में 701 आतंकी मारे जाने की खबर है, जबकि पेपर क्लिप में 1701 लिखा गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस क्लिप में और भी कई आंकड़ों का फेरबदल किया गया है जिससे साफ पता चलता है कि यह पेपर क्लिप फोटोशॉप की गई है। लेकिन दैनिक भास्कर ने अपने लेख में दिए गए आंकड़ों का कोई स्रोत नहीं दिया है। ऑल न्यूज़ ने इसीलिए और जांच पड़ताल की कि आधिकारिक आंकड़े क्या बताते हैं। हमने गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर सर्च किया तो हमें 2017-18 की एक एनुअल रिपोर्ट मिली जिसमें 2013 से 31 दिसंबर 2017 तक के डाटा का विवरण दिया गया है। इन आंकड़ों के अनुसार साल 2014 से 2017 तक 248 सैनिक शहीद हुए थे, ना कि 303 सैनिक। 581 आतंकवादी मारे गए थे, ना कि 1701 आतंकवादी। और 100 नागरिकों की जाने गई थी, ना कि सिर्फ 61 नागरिक, जैसा कि वायरल क्लिप में दावा किया गया था। जहां तक यूपीए 1 और यूपीए 2 का सवाल है, गृह मंत्रालय के वेबसाइट पर उपलब्ध डेटा सोशल मीडिया पर वायरल आंकड़ों से मेल नहीं खाते। 2004 से 2014 तक मरने वाले नागरिकों की संख्या 2085 थी, 1059 सैनिक शहीद हुए थे और मारे जाने वाले आतंकवादियों की संख्या 4029 थी। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल SATP, जो साउथ एशियन कंट्रीज़ में होने वाले सभी आतंकवादी घटनाओं से जुड़े आंकड़ों का डेटा रखती है, उसमें 1994 से लेकर अभी तक के सभी आतंकवादी घटनाओं का डेटा उपलब्ध है। यूपीए शासनकाल के वर्षों के लिए 2004 से 2014 तक के आंकड़े इस तरह हैं। जहां 1296 नागरिकों ने अपनी जानें गंवाई, वहीं 903 सुरक्षाकर्मी और 3398 आतंकवादियों को मार गिराया गया था। नीतू नाम के एक ट्विटर हैंडल ने भी उसी न्यूज़पेपर क्लिप का हवाला देते हुए गुमराह करने वाले आंकड़े ट्वीट किए थे, जिसे भाजपा सांसद परेश रावल ने पॉइंट टू बी नोटेड कहकर रिट्वीट किया था। लेकिन अभी जो हमने जानकारी दी है उससे यह स्पष्ट हो गया है कि ये दावे गलत हैं और जो न्यूज़पेपर क्लिप वायरल की गई थी वो फोटोशॉप थी। आने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान ऐसी कई भ्रामक खबरें सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जा सकती हैं। ऐसी खबरों से बचने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और सोशल मीडिया से मिलने वाली जानकारी जिस पर आपको शक हो उसे आप हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं। थैंक यू।